हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीपेट एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए PDPMT का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने PPT का मॉडल पेपर सॉल्व किया है, तो जितने भी स्टूडेंट पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एंड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, राजेश, सॉरी, थेजेस एंड राजेश आर फ्रेंड्स। ठीक है, थेजेस एंड राजेश आर फ्रेंड, यहाँ पे एंड क्या है, वहाँ पे एंड राजेश और थेजेस को कंबाइन कर रहा है, मतलब कंजक्शन का काम कर रहा है, तो एंड यहाँ पे कंजक्शन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। थेजेस और राजेश दोनों फ्रेंड है, मतलब मित्र हैं, तो एंड क्या है, कंजक्शन का काम कर रहा है, दो लोगों को जोड़ रहा है। एक नेक्स्ट आपका, रमा कैन बॉल फास्ट, रमा फास्ट बॉलिंग कर सकता है, तो यहाँ पे फास्ट फास्ट को अंडरलाइन किया हुआ, मतलब फास्ट के बारे में पूछ रहा है कि फास्ट क्या है। रमा कैन बॉल फास्ट, रमा फास्ट बॉलिंग कर सकता है, फास्ट मतलब एक विशेषता बता रहा है, यानी कि एडवर्ब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, फास्ट क्या है, एडवर्ब है, जो वर्ब की विशेषता बताए उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट आपका, विक्रांत इज प्लेइंग फुटबॉल, विक्रम सॉरी विक्रांत प्लेइंग फुट विक्रांत फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ पे प्लेइंग को अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि प्लेइंग के बारे में पूछ रहा है, प्लेइंग क्या है, तो प्लेइंग क्या है, एक वर्ब है, प्ले प्ले में ING जोड़ के प्लेइंग बना हुआ है, तो प्ले क्या है, एक प्लेइंग क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट है, एथेंस इज वेल नोन फॉर ओलंपिक, एथेंस ओलंपिक के लिए जाना जाता है, एथेंस एक ग्रीस का कैपिटल है, एथेंस ओलंपिक के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे एथेंस क्या है, एक नाउन है। जब किसी भी सिटी का नाम रखा जाता है, किसी वस्तु का नाम या फिर किसी मैन किसी का भी नाम अगर आप लेते हैं तो वो एक नाउन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, इन टू डेज आई विल हैव फिनिश्ड द स्क्रिप्ट, अगले 2 दिनों में मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट कर दूंगा, मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लूंगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है, विल का यूज किया हुआ है, विल हैव, विल के साथ हैव है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, विल आ गया मतलब फ्यूचर हैव लगा दिया फ्यूचर परफेक्ट, ओके। देन नेक्स्ट है आपका, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें इज के बारे में पूछ रहा है, इज क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट है, द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वाज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो लाइट चली गई, जब मैं पढ़ रहा था तो लाइट चली गई, पढ़ रहा था मीन्स पास्ट, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, वाज रीडिंग कंटिन्यूअस, ओके, पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है, आई एम द टॉलेस्ट प्लेयर इन द टीम, अभी आगे डैश दिया हुआ है तो वहाँ पे क्या वर्ड आएगा, आई एम द टॉलेस्ट प्लेयर इन द टीम, डोंट आई, मैं टॉलेस्ट नहीं था, इसका मीनिंग है हुआ आई एम नॉट, मैं नहीं था, आर नॉट आई, है ना, एम आई, मैं हूँ, तो आई एम द टॉलेस्ट प्लेयर इन द टीम, आर नॉट आई, मैं टीम में सबसे लंबा प्लेयर हूँ, है ना, मतलब कि वो पूछ रहा है कि ये सही है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ही सेड आर यू डूइंग योर जॉब, उसने कहा कि क्या तुम अपना काम कर रहे हो या फिर अपना जॉब कर रहे हो, ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज डूइंग माई जॉब, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट किया है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, आई वॉज डूइंग माई जॉब, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ।
नेक्स्ट है आपका कलेक्टिंग स्टैम्प्स, वन ऑफ हिज हॉबी कलेक्टिंग स्टैम्प्स। यहाँ पे कौन सा फॉर्म आएगा वर्ब का, इज आएगा, इज आर आएगा, आर आएगा, नो, वन ऑफ द अबव। कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज वन ऑफ हिज हॉबीज, ठीक है, ही के साथ हमेशा इज का यूज होगा, तो हिज है तो यहाँ पे इज आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। भी अगले क्वेश्चन से आपका टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन है, यानी कि जो डिप्लोमा कर चुके हैं वही पीएमडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो अभी डिप्लोमा कोर्सेज से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है, इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आप लोगों ने ड्राइंग पढ़ा होगा तो उस ड्राइंग का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द इंक्लूडेड एंगल विद इन द एक्सिस आर, जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं हम लोग तो वहाँ पे जो एंगल हो बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 120 डिग्री का। जो तीनों एक्सिस हैं वो 120 डिग्री पे होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, तीनों 120 पे होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टूल सिग्नेचर कंप्राइज, यहाँ पे डैश दिया हुआ है, एलिमेंट्स, टूल सिग्नेचर में कितने एलिमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन है टूल सिग्नेचर में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो टूल सिग्नेचर में टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, इंड कटिंग एंगल, साइड कटिंग एंगल, एंगल ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ एंगल एंड इंड रिलीफ एंगल एंड साइड रिलीफ एंगल, टोटल 7 होते हैं, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, साइड रिलीफ एंगल, इंड रिलीफ एंगल एंड बैक कटिंग एज एंगल, सॉरी बैक आप लोग एक बार देख लें, टोटल 7 एंगल, 7 एलिमेंट्स होते हैं टूल सिग्नेचर में, तो आप लोग उसको देख के याद कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 है, डायमंड इज द वेरी हार्ड मटेरियल विथ हाई रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। यहाँ पे एल्यूमिनियम है, स्टील है एंड कॉपर है, और यहाँ पे डायमंड है, तो यहाँ पे डायमंड आएगा, डायमंड इज सबसे हार्ड मटेरियल होता है, डायमंड इज वेरी हार्ड मटेरियल्स। देन नेक्स्ट है, लेथ मशीन बेड मेड ऑफ, लेथ मशीन का जो बेड होता है वो कौन से मटेरियल से बना होता है, रॉट आयरन से, स्टील से, डी नोन ऑफ दीज, एंड ऑप्शन नंबर बी है ग्रे कास्ट आयरन। तो लेथ मशीन का जो बेड होता है वो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है देखिए, द इंक्लूडेड लिप एंगल ऑफ ड्रिल इज, जो ड्रिल बिट होता है उसका लिप एंगल कितना होता है, तो ड्रिल बिट का जो लिप एंगल होता है वो होता है 118 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है, ड्रिल बिट जो बनाया जाता है उसका जो लिप एंगल होता है वो होता है 118 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, अभी हम लोग टूल सिग्नेचर के बारे में देख लेते हैं, टोटल 7 टूल सिग्नेचर जो है कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टूल सिग्नेचर, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, इंड रिलीफ एंगल एंड साइड रिलीफ एंगल, इंड कटिंग इज एंगल, साइड कटिंग इज एंगल एंड नोज रेडियस, तो टोटल 67 एलिमेंट्स होते हैं टूल सिग्नेचर में, तो आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, बने रहिए हमारे साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।